हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीवी श्रीवास्तवा क्लासेस। हम इस वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण फरवरी 2022 के मैगजीन से जितने भी वन लाइनर फॉर्म में महत्वपूर्ण करंट अफेयर बने हैं वो हमने कंक्लूड किया है और आपके सामने वो प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, पहला करंट अफेयर है, अरुणाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में भारत का जो पहला प्रमाणित जैविक फल लॉन्च किया है वो कौन सा है? कीवी है ना। कीवी ऐसा फल है ना, भारत का ऐसा फल है जो अभी प्रमाणिक जैविक फल के रूप में इसे लॉन्च किया गया है ना। और ये फल कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, इस मशहूर फुटबॉलर ने रिकॉर्ड 7वीं बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलन डी ऑर अवार्ड जीत लिया है, वो कौन है? लियोनेल मेसी है। लियोनेल मेसी ने 7वीं बार जो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड जो होता है बैलन डी ऑर, इसे जीता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जिस फिल्म अभिनेता को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वो कौन है? संजय दत्त है। ठीक है, संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने राज्य का सबसे एक नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, हाल ही में जिस राज्य के पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है वो कौन सा राज्य है? वो नागालैंड है। ठीक है, विश्व एड्स दिवस वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है, यह हर साल 1 दिसंबर को ही मनाया जाता है। रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम ऑफ केमिकल वारफेयर किस दिन मनाया जाता है? तो ये 30 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है वो कौन है? IAS संजीव कौशल है। संजीव कौशल को हरियाणा राज्य के 35वें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने हाल ही में जो एक्सप्रेसवे के निर्माण का प्रस्ताव रखा है वो कौन सा है? गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। जो NHAI है हाल ही में है ना गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। ठीक है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे महंगे शहर कौन सा है? तो ये तेल अवीव है। ओके, फॉर्चून इंडिया ने भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है, इस लिस्ट में प्रथम स्थान पर किसे जगह दी गई है? तो ये निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्हें सबसे पहला स्थान दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 34वें कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार माघो। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार माघो को राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 34वें कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, जिस राज्य सरकार ने हाल ही में विद्या दिवेना परियोजना के लिए 686 करोड़ रुपए जारी किए हैं वो कौन सा राज्य है? तो वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य ने विद्या दिवेना स्कीम के लिए 686 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ठीक है, विश्व एथलेटिक्स ने वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से अंजू बॉबी जॉर्ज को सम्मानित किया है। विश्व एथलेटिक्स ऑर्गेनाइजेशन ने है ना अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, इस अवार्ड से सम्मानित किया है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, इसी वजह से 2 दिसंबर को हम नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चीन में अगले वर्ष जब बीजिंग ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे, कब किए जाएंगे? 4 फरवरी से 20 फरवरी 2022 में ये किए जाएंगे। ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस ने जिस भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है वो कौन सा है? धवन 1। धवन 1 रॉकेट ऐसा रॉकेट है इसका स्काई रूट एरोस्पेस ने इसका सफलतापूर्वक मतलब परीक्षण किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ को बनाया गया है। ठीक है, असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव रतन टाटा को प्रदान करने की घोषणा की है। ठीक है, वॉल्ट डिज्नी ने अपनी 98 साल के इतिहास में पहली बार सुजन आर्नेड को महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। वॉल्ट डिज्नी जो कि 98 वर्ष से चला आ रहा है, इसमें पहली बार सुजन आर्नोल्ड को
जो महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले जितने भी अध्यक्ष इसके हुए हैं सभी क्या थे, पुरुष थे। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम है ना, चार धाम देवस्थानम मैनेजमेंट एक्ट को वापस ले लिया है, वो कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड है। ठीक है, कैबिनेट समिति ने जिसे भारत पर्यटन विकास निगम का नया चेयरमैन नियुक्त किया है वो कौन है? संबित पात्रा। संबित पात्रा को कैबिनेट समिति ने भारत पर्यटन विकास निगम का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन विद डिजेबिलिटी 3 दिसंबर को ये मनाया जाता है। ठीक है, भारत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने परिस्थिति की नुकसान की भरपाई के लिए पूरे देश में अब तक 2.23 करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं। ठीक है, क्या होता है कि जब रोड बनता है उस समय क्या होता है, पेड़ों की कटाई होती है। पेड़ों की कटाई होती है तो क्या होता है, इन्वायरमेंट पे हमारा इफेक्ट पड़ता है। और इसे इसे रोकने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी लिमिटेड ने 2.23 करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं। ठीक है, भारत G20 ट्रॉइका में शामिल हुआ है। भारत के अलावा G20 ट्रॉइका में है ना इंडोनेशिया और इटली ऐसे देश हैं जो है ना भारत के साथ G20 ट्रॉइका में शामिल हुए हैं। ठीक है, आय के वितरण के मामले में दुनिया के सबसे असमान राष्ट्रों में भारत शामिल है। ठीक है, आय के वितरण के मामले में दुनिया में सबसे असमान राष्ट्रों में भारत शामिल है। भारत के शीर्ष 1% आबादी के पास राष्ट्रीय आय का 22% हिस्सा है। ठीक है, भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने जिस तारीख को वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है वो कौन सा दिन है? 7 दिसंबर 2021 को DRDO ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, अमेरिका के बाद जिस देश ने चीन के बीजिंग में आयोजित होने वाले शीतकालीन ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार करने की घोषणा की है वो कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ऐसे देश हैं जो राजनयिक रूप से है ना जो बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक का बहिष्कार कर रहे हैं। ठीक है, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड और है ना तमिलनाडु राज्य परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक ADB के साथ 2074 करोड़ रुपए के दो ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ करप्शन किस दिन मनाया जाता है? तो ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, BCCI ने विराट कोहली की जगह जिसे वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है वो कौन है? रोहित शर्मा। ठीक है, दूरसंचार विभाग ने हाल ही में सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों से एक व्यक्ति को अधिकतम जितने सिम से अधिक जारी न करने के आदेश दिया है वो कितने? 9 सिम। 9 सिम से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा, ऐसा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का कहना है ना। इसने सभी जितने भी मोबाइल सेवा कंपनी है उनको ये निर्देश दिया है। ठीक है, भारत की जिली डाला बेहड़ा ने हाल ही में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप के महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक सिल्वर मेडल को जीता है। ठीक है, भारत सरकार की नई मंजिल योजना है ना ये 17 से 35 वर्ष के अल्पसंख्यक युवाओं के लिए क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। नई मंजिल योजना 17 से 35 वर्ष के अल्पसंख्यक युवा के लिए भारत सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है। ठीक है, ब्रिटेन के एक अध्ययन के मुताबिक फाइजर एस्ट्राजेट COVID-19 शॉट को मॉडर्ना के साथ मिलाने पर बेहतर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया मिल रही है। ठीक है, हम अगर फाइजर या फिर एस्ट्राजेट COVID-19 जो वैक्सीन है इसको अगर मॉडर्ना वैक्सीन के साथ मिला देते हैं तो हमें क्या मिल रही है, बेहतर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया मिल रहे हैं। ठीक है, फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में संजीव मेहता को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और तो नेक्स्ट चेयरमैन कौन होंगे फिक्की के? तो संजीव मेहता होंगे। ठीक है, महिला टेनिस एसोसिएशन ने जिस खिलाड़ी को साल के सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड प्रदान किया वो कौन है? एमा रादुकानु। एमा रादुकानु को महिला टेनिस एसोसिएशन ने साल का सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी अवार्ड प्रदान किया है। ठीक है, भारत के जिस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जो चीफ इलेक्शन कमीशनर जो है
उनको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस में के सलाहकारी बोर्ड में शामिल किया है। वो कौन है? सुनील अरोड़ा हैं। ठीक है। नासा ने जिस भारतीय मूल के डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है वो कौन है? अनिल मेनन। अनिल मेनन जो कि भारतीय मूल के डॉक्टर हैं, इनको नासा ने अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है। ठीक है। अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट यानी खाने पीने के सामान निर्यात के मामले में साल 2020 में जो देश पहले स्थान पर पहुंच गया वो कौन सा देश है? भारत है। ठीक है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता है? तो ये नीलमणि फुकन जूनियर ने 56th ज्ञानपीठ अवार्ड को जीता है। ठीक है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने 214 मिलियन पूर्व ट्राइसिक युग वर्ष पूर्व जिस स्थान पर निवास करने वाली पहली डायनासोरस प्रजाति की खोज की है वो कौन है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में ये पाई जाती थी डायनासोर की प्रजाति, जो 214 मिलियन वर्ष पूर्व इस दुनिया में थी। ठीक है। कहाँ पे? ग्रीनलैंड में। हाल ही में श्रीलंका और जिस देश ने श्रीलंका के आर्थिक संकट को कम करने मदद हेतु खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करने हेतु 4 सूत्रीय रणनीति पर सहमति व्यक्त की है वो कौन सा देश है? तो वह है भारत है। ठीक है। भारत के जिस राज्य ने सबसे पहले कोरोना वायरस के टीके की दूसरी खुराक सहित 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया है वो कौन सा राज्य है? वो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने अपने सभी नागरिकों को दोनों डोज कोविड के दे दिए हैं। ठीक है। भारत के नई ई फाइलिंग पोर्टल पर 3 दिसंबर तक 3 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। सरकार ने हाल ही में जिस जगह में पारंपरिक नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है वो कौन सा जगह है? वो जम्मू कश्मीर है। ठीक है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे हर वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत लगभग 46 लाख असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है। ठीक है। इस योजना में 46 लाख से अधिक असंगठित श्रमिकों को रजिस्टर्ड किया गया है। ठीक है। अभी हाल ही में जिस देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के से ईरान के साथ परमाणु वार्ता रोकने की अपील की है वो कौन है? इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। भारत के हवाई अड्डों में जिस वर्ष से फेस रिकॉग्निशन स्कैनिंग शुरू हो जाएगी वो कौन सा वर्ष है? 2022। 2022 से भारत के हवाई अड्डों पर है ना फेस रिकॉग्निशन स्कैनिंग शुरू कर दी जाएगी। ठीक है। विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सोइल डे हर वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज है, भारत और जिस देश के बीच में हाल ही में एक्वेरियन अभ्यास एक्सरसाइज एक्वेरियन आयोजित किया गया वो कौन सा देश है? मालदीव। भारत ने मालदीव के साथ मिलकर एक्वेरियन एक्सरसाइज को अभी हाल ही में ये अभ्यास इन दोनों ने कंट्री ने भारत और मालदीव ने मिलकर किया है। ठीक है। महापरिनिर्वाण दिवस है ना, महापरिनिर्वाण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 6 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी है ना। कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस देश ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीत लिया है वो कौन सा देश है? अर्जेंटीना है। ठीक है ना। कौन सा देश अभी हाल ही में जूनियर हॉकी विश्व कप को जीता है 2021? तो अर्जेंटीना। ठीक है। केंद्र सरकार ने जिस राज्य में रूस के सहयोग से 5 लाख AK-203 असोल्ट राइफलों के निर्माण की मंजूरी दे दी है वो कौन सा राज्य है? वह है उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार ने है ना उत्तर प्रदेश में है ना 5 लाख AK-203 असोल्ट राइफल के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है। ये राइफल रसिया के साथ मिलकर बनाई जाएगी। ठीक है। हाल ही में न्यूजीलैंड के किस बॉलर ने एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं? तो वो है एजाज पटेल। एजाज पटेल जो कि न्यूजीलैंड का बॉलर है। ठीक है। इन्होंने एक पारी में 10 विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड का तीसरे खिलाड़ी बने हैं। इनसे पहले और 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने एक पारी में 10 विकेट लिए हैं। ठीक है।
इंडियन कैबिनेट ने भी हाल ही में केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की मंजूरी दी है। इस परियोजना में की कुल अनुमानित लागत कितनी है? ठीक है, अभी हाल ही में जो इंडियन जो कैबिनेट है, पार्लियामेंट में जो कैबिनेट है हमारी, उसने एक केन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है? तो 44,605 करोड़ रुपये इसकी कुल अनुमानित लागत है। ठीक है, नेक्स्ट है, एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो वो है चौथा, है ना। एशिया पावर इंडेक्स जो 2021 है उसमें इंडिया का रैंक क्या है? फोर्थ है। ठीक है, हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के जिस सदस्य को यूपी सरकार ने पुलिस में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर नियुक्त किया वो कौन है? ललित कुमार उपाध्याय। ललित कुमार उपाध्याय को, है ना, यूपी गवर्नमेंट ने, है ना, पुलिस में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है। किस कोटे से? तो स्पोर्ट कोटे से। नेक्स्ट है, केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह ने कितने करोड़ रुपए की 23 नई अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली परियोजना की मंजूरी दी है? तो वो है 15,893 करोड़ रुपए की, ये जो पूरी लागत से बनेगी ये 23 नई अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली, है ना, इसकी मंजूरी केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह ने दी है। ठीक है, मानव अधिकार दिवस ह्यूमन राइट डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, डीजीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ान जो इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट्स हैं उन पर 31 जनवरी 2022 तक के लिए प्रतिबंध को बढ़ा दिया है। ठीक है, जो डीजीसीए एक्सटेंडेड द बैन ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट टिल 31 जनवरी 2022। ठीक है, जिस संस्थान ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर एलियंस को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है वो कौन सा संगठन है? तो संयुक्त राज्य महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, है ना, इंटरनेशनल सोलर एलियंस को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। ठीक है, भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी हाल ही में भारत और जिन दो राज्यों की परियोजना के लिए समझौते किए हैं वो कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड और तमिलनाडु, है ना, उत्तराखंड और तमिलनाडु की परियोजनाओं के लिए भारत सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से, है ना, कुछ समझौते किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वह एयरपोर्ट जो जल्द ही देश के 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बन जाएगा वो कौन सा है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का ऐसा एयरपोर्ट बन जाएगा जिसके 4 रनवे होंगे, है ना। इंडिया में ऐसे कोई भी एयरपोर्ट नहीं जिसके 4 रनवे हो। ठीक है, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट फर्स्ट ऐसा एयरपोर्ट होगा जिसके पास 4 रनवे होंगे। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स कंपनी यूगॉव की एक सर्वे के मुताबिक विश्व के 20 सबसे प्रशंसनीय व्यक्ति में जिसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वो कौन है? अमेरिका के पूर्व प्रधानमंत्री बराक ओबामा। इनको, है ना, देश के मतलब विश्व के 20 सबसे प्रशंसनीय व्यक्तियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। और ये जो रिपोर्ट जारी किया गया इसके द्वारा एक डेटा एनालिटिक्स कंपनी है यूगॉव के द्वारा। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी NTPC ने जिस राज्य के समहाद्री में एकल ईंधन सेल आधारित हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की है वो कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में NTPC ने एकल ईंधन सेल आधारित हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की है। ठीक है, केंद्र सरकार ने 15 दिसंबर 2021 को प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव PLI स्कीम के लिए जितने करोड़ रुपए की निवेश को मंजूरी दी है वो कितने हैं? 76,000 करोड़ रुपए की निवेश को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। ठीक है, 76,000 करोड़। भारत के विजय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष विजय दिवस के रूप में हम मनाते हैं इसे। ठीक है, हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार किसने संभाला है? तो जनरल MM नरवणे, जो कि आर्मी के चीफ थे, उन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की चेयरमैनशिप को संभाला है, है ना, क्योंकि अभी हाल ही में बिपिन रावत की मृत्यु के बाद इनको ये पद मिला। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में ने विवाह के लिए महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष रखने का प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है? तो वो है 21 वर्ष, है ना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो महिलाओं की विवाह की उम्र पहले जो 18 वर्ष थी उसको बढ़ाकर 21 वर्ष करने के लिए मंजूरी दे दी है। ठीक है, हाल ही में जिस देश के दिग्गज फुटबॉलर
सार्जियो एग्वेरो ने सिर्फ 33 साल की उम्र में फुटबॉल को हमेशा के लिए अलविदा कर दिया। वो कहाँ से रिलेटेड है? तो अर्जेंटीना से रिलेटेड, रिलेट करते हैं, ठीक है, वो अर्जेंटीना के हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने ने जिसे अपना नया कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है वो कौन है? फैसल हसनैन। फैसल हसनैन को इन्होंने अपना, है ना, क्रिकेट बोर्ड के नया कार्यकारी अधिकारी के रूप में, सीईओ के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है, फैसल हसनैन। भारतीय खेल पत्रकार महासंघ ने प्रतिष्ठित SJFI पुरस्कार किसे देने की घोषणा की है? तो वो सुनील गावस्कर को ये पुरस्कार देने की घोषणा किया है। किसने किया है? भारतीय खेल पत्रकार महासंघ ने, ठीक है, किसको देने की? सुनील गावस्कर को। एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने के अनुमान लगाया? तो इंडिया की आर्थिक जो GDP रहने वाली है वो 9.7% रहने वाली है ना, किस वर्ष के लिए? 2021-22 के लिए ऐसा किसका अनुमान है? एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ठीक है। हाल ही में जिस खिलाड़ी ने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में लुइस हैमिल्टन को पीछे छोड़ते हुए अपना पहला फॉर्मूला 1 विश्व खिताब जीता है वो कौन है? मैक्स वेस्टरपन, है ना, मैक्स वेस्टरपन ने इसे जीता है, ठीक है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में जो देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वो कौन है? कौन सा देश है? अमेरिका। अमेरिका को ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रांस की दिग्गज कंपनी स्नेल ने भारतीय मूल के जिस महिला को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है वो कौन है? लीना नायर। लीना नायर को इस कंपनी ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, टाइम्स पत्रिका ने अमेरिका की जिस जिमनास्ट को सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 सम्मानित किया वो कौन है? सिमोन बाइल्स। सिमोन बाइल्स को टाइम्स पत्रिका, जो कि अमेरिका का है, और जिमनास्ट का सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार सम्मानित इनको किया है, सिमोन बाइल्स को, ठीक है। निजी क्षेत्र में कोटक महिंद्रा बैंक ने आंसू सुयस को जितने साल के लिए बैंक के स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया हो, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए आंसू सुयस को स्वतंत्र निदेशक, है ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया गया है किस बैंक के द्वारा? कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा, ठीक है, 5 साल के लिए। ICC की तरफ से नवंबर 2021 माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो डेविड वार्नर, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, इनको ICC ने नवंबर 2021 माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक 21 किलो भार वर्ग किसने जीता है? तो अजय सिंह ने जीता है, ठीक है, अजय सिंह ने इसे जीता है। वह देश जिसने वर्ष 2027 तक अपने देश को पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है कौन सा है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने यह घोषणा की है कि वो अपने देश को 2027 तक धूम्रपान मुक्त बना देगा, ठीक है। हाल ही में जिस प्रोफेसर को विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया है वो कौन है? नीना गुप्ता। नीना गुप्ता को, है ना, युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। टाइम्स मैगजीन ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से एलन मस्क को सम्मानित किया है, ठीक है। टाइम मैगजीन ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 से एलन मस्क को सम्मानित किया है, ठीक है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल, ठीक है। वह देश जिसने 13 दिसंबर 2021 को पर्यावरण सुधार के सिलसिले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्तुत संकल्प के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है वो कौन सा देश है? भारत है। भारत ने इस प्रस्ताव के खिलाफ में मतदान किया है, ठीक है, जो कि कहाँ रखे गए थे? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रखे गए थे। नेक्स्ट, उत्तराखंड विधानसभा के जिस पूर्व अध्यक्ष को 8 बार के विधायक का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया वो कौन है? हरवंश कपूर, है ना, ये 8 बार विधायक रह चुके हैं और इनकी 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गए, ठीक है, और ये उत्तराखंड विधानसभा से विधायक 8 बार रहे हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के जिस ऑफ स्पिनर ने टेस्ट क्रिकेट में अपना करियर के 400 विकेट पूरे कर लिए वो कौन है? नाथन लियोन, जो कि कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्होंने, है ना, अपने करियर में 400 विकेट का जो ये था
है ना, टारगेट था उसको इन्होंने पूरा किया, 400 विकेट लिए हैं पूरे अपनी करियर में, ठीक है। ऑफ स्पिनर है, कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से, नाथन लियोन, ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे किस दिन मनाया जाता है, तो ये 12 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर में जितने अटल थिंकिंग लैब स्थापित किए हैं, करने की योजना की है, वो कितने, 1000, 1000 है ना, अटल थिंकिंग लैब की स्थापना की इन्होंने घोषणा की है नीति आयोग ने, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध गॉथिक उपन्यास इंटरव्यू विद द वैम्पायर की लेखिका का हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो कौन है, एनी राइस, एनी राइस है जिन्होंने इंटरव्यू विद द वैम्पायर लिखा, इनकी 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ठीक है। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किस भारतीय ने जीता है, तो है हरनाज कौर संधू, हरनाज कौर संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब 21 वर्ष बाद, है ना, इंडिया की कोई ऐसी लड़की है जिसने जीता है, ठीक है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना मिल्क प्राइस इनिशिएटिव स्कीम शुरुआत की है, वो कौन सा राज्य है, वो उत्तराखंड राज्य सरकार ने मिल्क प्राइस इनिशिएटिव स्कीम को की शुरुआत की है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का नया प्रमुख किससे नियुक्त किया गया, तो है कैथरीन रसेल, कैथरीन रसेल को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस राज्य के बलरामपुर जिले में 9,802 करोड़ रुपए के सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया, वो कौन सा राज्य है, वो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में इन्होंने, है ना, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में इन्होंने 9,802 करोड़ रुपए के सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया, किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट, जिस भारतीय शूटर को 2021 पैरा ओलंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान दिया गया है, वो कौन है, अवनी लेखरा, अवनी लेखरा को सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान दिया गया है, ये भारतीय शूटर है ना। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल भारतोलन चैंपियनशिप में जिसने 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है, वो कौन है, पूर्णिमा पांडे, है ना, इन्होंने राष्ट्रमंडल भारतोलन चैंपियनशिप में 8 राष्ट्रीय, है ना, स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है, जो कि एक रिकॉर्ड है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 4 देशों के सैटेलाइट लॉन्च करने के साथ जितने समझौते किए हैं, वो कितने हैं, 6, है ना, 6 समझौते इन्होंने किए हैं 4 देशों के साथ, ये सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, ये 4 देशों के सैटेलाइट लॉन्च ये इसरो करेगा, ठीक है। भारत, ईरान और जिस देश ने 14 दिसंबर 2021 को चारबहार बंदरगाह चाबहार पोर्ट को के संयुक्त उपयोग पर बातचीत की है, वो कौन सा है, उज्बेकिस्तान, ठीक है। भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान ने 14 दिसंबर 2021 को चाबहार बंदरगाह जो है ना, के संयुक्त उपयोग पर बातचीत इन्होंने की है कि इन तीनों देश जो है ना मिलके, एक साथ मिलके इस चाबहार पोर्ट का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के अनुसार भारत की मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी कितने मेगावाट है, तो है 6780 मेगावाट, ठीक है। ये केंद्र सरकार के द्वारा बताया गया है कि उनकी मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता कितनी है इंडिया की, 6780 मेगावाट अभी परमाणु, है ना, मौजूदा हमारी क्या है, परमाणु ऊर्जा क्षमता है, ठीक है। हाल ही में जिस देश की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेल जी खोरलो से सम्मानित करने का फैसला किया, वो कौन है, भूटान, भूटान देश ऐसा है जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान वहाँ का जो है नागदेग पेलजी कैरोलो इससे सम्मानित वो करेगा, ठीक है। कौन सा देश है, भूटान, ठीक है। नेक्स्ट है, इंग्लैंड की वह खिलाड़ी जो 150 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें खिलाड़ी बन गए हैं, वो कौन है, स्टुअर्ट ब्रॉड, स्टुअर्ट ब्रॉड है ना, देश के ऐसे 10वें खिलाड़ी बन पूरे वर्ल्ड के ऐसे 10वें खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने 150 टेस्ट मैच खेले हैं, ठीक है। मेट्रोमैन के नाम से पहचाने जाने वाले जिस शख्स ने राजनीतिक से संन्यास लेने की घोषणा की है, वो कौन है, ई श्रीधरन, ई श्रीधरन जिनको मेट्रोमैन के नाम से जाना जाता है, इन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है, ठीक है। हाल ही में जिस मंत्रालय
ने विभिन्न गैर सरकारी संगठन एनजीओ के विदेश योगदान अधिनियम FCRA 2010 के तहत पंजीकरण को रद्द कर दिया है। वो कौन सा मंत्रालय है? तो वो गृह मंत्रालय है। ठीक है, इसने विभिन्न गैर जो सरकारी संगठन एनजीओ हैं जिनके जो विदेशी योगदान विनियम अधिनियम FCRA 2010 के तहत पंजीकरण को रद्द कर दिया है इनके, क्योंकि ये जो एनजीओ हैं ये उस पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कौन सा है? गृह मंत्रालय है। ठीक है, गृह मंत्रालय के द्वारा इनको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड की जाती है। हाल ही पंजाब वन और वन्य जीव संरक्षण विभाग ने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के सहयोग से बॉयस संरक्षण रिजर्व में कितने घड़ियाल छोड़े हैं? तो ये 24 घड़ियाल इन्होंने छोड़े हैं। ठीक है, एशियाई विकास बैंक ने पूरे भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को प्रदान करेंगे, है ना? तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक 350 मिलियन डॉलर है ना प्रदान करेगा। ठीक है, भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच के सुधार के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जिस नदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया है वो कौन सी नदी है? महानदी, है ना, महानदी नदी के ऊपर ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने टी सेतु है ना बनाने का उद्घाटन किया है। ठीक है, राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है ना। एम जो हमारे रामानुजन थे उनके बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है और उसी दिन हम नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं। ठीक है, हाल ही में जिस राज्य ने 3 नए जिले बनाने की घोषणा की है वो कौन है? नागालैंड। नागालैंड ने ऐसा घोषणा की है कि वो और 3 जिले बनाएगा। ठीक है, देश के जिस शीर्ष क्यू खिलाड़ी ने राष्ट्रीय विलियर्ड खिताब को 11वीं बार जीता है वो कौन है? पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी ने राष्ट्रीय विलियर्ड खिताब को 11वीं बार जीता है। ठीक है, हाल ही में जिस संस्थान ने दाओस में अपनी वार्षिक बैठक को स्थगित करने के फैसला किया वो कौन है? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, है ना, जो इनकी वार्षिक बैठक दाओस में होने वाली थी उसको इन्होंने स्थगित करने का फैसला लिया है। ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा जिस IIT संस्थान को इनोवेटिव संस्थान में प्रथम स्थान दिया गया वो कौन सी IIT है? IIT रुड़की, है ना, IIT रुड़की। ठीक है ना, इसको प्रथम स्थान दिया गया है भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। ठीक है, जिस राज्य सरकार, वह राज्य सरकार जिसने ट्रांसजेंडर को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की वो कौन सा देश है, कौन सा राज्य है? वो कर्नाटक। कर्नाटक अपने, है ना, पुलिस में, है ना, उनकी जो पुलिस होगी कर्नाटक का पुलिस में 1% रिजर्वेशन किसकी रहेगी? ट्रांसजेंडर की रहेगी। ठीक है, जिस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया है वो कौन है? इंडिया। इंडिया ने, है ना, सरफेस टू सरफेस, है ना, जो शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय जिसका नाम है, इसका सफल परीक्षण इन्होंने किया है। ठीक है, भारत ने, वह देश जिसने 19 दिसंबर 2021 को घोषणा किया कि वह सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों पर अब सेंसर नहीं लगाएगी वो कौन सी देश है? UAE, है ना, यूनाइटेड अरब अमीरात, है ना। 19 दिसंबर 2021 को इन्होंने घोषणा किया कि जो सिनेमाघर में रिलीज होंगी फिल्में उन पर यह सेंसर नहीं लगाएगा। ठीक है, भारत में हर साल जिस तारीख को राष्ट्रीय किसान दिवस नेशनल फार्मर डे मनाया जाता है वो कौन सी तारीख है? तो वो 23 दिसंबर को हर साल क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को जिस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया वो कौन सा उच्च न्यायालय है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को, है ना, वहाँ का कार्यकारी, है ना, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। होरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका एवं चीन के बाद यूनिकॉर्न कंपनी के मामले में जो देश तीसरे स्थान पर पहुंच गया वो कौन है? भारत है। ठीक है, ये किसके द्वारा बताया गया है? होरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, है ना, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की और इसमें बताया। हाल ही में जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को एक वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया वो कौन है? पंजाब है ना,
पंजाब जो है ना, भगवान कृष्ण की जो बलराम और जगन्नाथ रथ यात्रा है उसको वार्षिक राज्य उत्सव के रूप में मनाएगा, ठीक है। पंजाब, केंद्र सरकार ने जिस कैटेगरी में महिला कमांडो को शामिल करने की घोषणा की वो कौन है? Z+ सिक्योरिटी। Z+ सिक्योरिटी में अब महिलाओं की भी एक कमांडो होगी, ठीक है। इसकी मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है, ठीक है। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 में 100% साक्षरता के लिए जिस अभियान को शुरू करने की घोषणा की वो कौन है? नव भारत साक्षरता अभियान केंद्र सरकार के द्वारा 2022 से शुरू की जाएगी। इसमें 100% जो है ना साक्षरता के लिए अभियान चलाया जाएगा। आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने ने जिस पूर्व खिलाड़ी को को बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है वो कौन है? ब्रैन लारा को इन्होंने क्या किया है? बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है, ठीक है। जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु तो मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है वो कौन सा राज्य है? ओडिशा है, ठीक है। ओडिशा ने इस सेवा की शुरुआत की है। एक मिनट, नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस नेशनल कंज्यूमर राइट डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये 24 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। वह भारतीय खिलाड़ी जिसने यूरोपियन देश मोंटेनेग्रो में हुई स्काइंग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीत लिया है वो कौन है? आंचल ठाकुर, है ना। इन्होंने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक को जीता है, ठीक है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर तट में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया है। उसका नाम क्या है? उसका अभ्यास एक्सरसाइज, है ना। उसका नाम क्या है? एक्सरसाइज, जिसकी परीक्षण DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर तट पर, है ना, किया, ठीक है। नेक्स्ट है, अमेरिका के ह्यूस्टन में बन रहे इटर्नल गांधी म्यूजियम को अमेरिकी रेस्क्यू प्लान के तहत फोर्ट बैंड काउंटी से कितने लाख डॉलर की अनुदान मिला है? तो वो 4.57 लाख डॉलर का अनुदान इन्हें मिला है, ठीक है। जो क्रिकेट खिलाड़ी अपने टेस्ट करियर में 100 बार नॉट आउट रहने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है वो कौन है? जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लैंड से हैं। इन्होंने ये 100 बार नॉट आउट रह चुके हैं अपने क्रिकेट के कैरियर में, ठीक है। इनका नाम क्या है? जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड से ये हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल कंपनी हुंडई ने भारत के लिए जिसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है वो कौन है? अंशु किम को, ठीक है। जो ऑटोमोबाइल कंपनी हुंडई, इसने अपना प्रबंध निदेशक, है ना, नियुक्त किया है, ठीक है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 18 दिसंबर 2021 को नई पीढ़ी की जिस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है वो कौन है? अग्नि पी मिसाइल, है ना। इसकी परीक्षण DRDO ने 18 दिसंबर 2021 को, है ना, किया है। और ये क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। यूनेस्को ने जिस देश को के जैमो सूप को विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने की घोषणा की वो कौन है? हैती, है ना। हैती जो है ना, ये है ना, हैती का जो जैमो सूप है उसको यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल करने की घोषणा की है, ठीक है। हाल ही में जिस वरिष्ठ राजनयिक को चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया जाएगा, है ना, नियुक्त किया गया है वो कौन है? प्रदीप कुमार रावत को, है ना, चाइना में इंडियन एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स देश की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने हेतु पंजाब सेक्टर में जिस मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन तैयार किया वो कौन सी है? S-400 का इन्होंने स्क्वाड्रन तैयार किया है, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स ने। भारत की 2 बार की, है ना, ओलंपिक पदक विजेता को बैडमिंटन विश्व समाज संघ ने एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है वो कौन है? पीवी सिंधु को इसका एथलीट कमीशन में का एक सदस्य बनाया गया है, ठीक है।
वह राज्य जो 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है वो कौन है? अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार है ना देश का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसने 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में पाकिस्तानी और इतालवी पुरातत्वविदों ने एक संयुक्त दल ने बौद्ध काल के जितने साल पुराने टेम्पल ऑफ बुद्धिस्ट एक मंदिर खोज की है वो कितने साल पुरानी है? 2300 साल पुरानी एक बुद्धिस्ट टेम्पल है जिसकी खोज है ना पाकिस्तानी और इतालवी पुरातत्वविद जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने किया है। ठीक है, भारत की जूनियर चयन समिति ने अंडर 19 विश्व कप 2022 के लिए किसे अपना कप्तान है ना किसे टीम का कप्तान नियुक्त किया है? तो वो है यश दुल, है ना यश दुल को है ना टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। ठीक है, जिस आईपीएल टीम ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान एंडी फ्लावर को अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है वो कौन है? लखनऊ टीम। लखनऊ की जो आईपीएल टीम है उसने है ना जो एंडी फ्लावर हैं उनको इन्होंने अपना मुख्य कोच रखा है। ठीक है, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है ना ने अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन पर कितने करोड़ रुपए जुर्माना लगाया है? तो वो है 200 करोड़ रुपए के जुर्माना इन्होंने है ना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो अमेरिकन ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन है उस पर इन्होंने लगाया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये 20 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत 19 दिसंबर 2021 को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में जो मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन चुके हैं वो कौन है? रजत पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, वह शहर जिसने दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फुट 6 इंच बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है वो कौन है? पीलीभीत जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इन्होंने सबसे लंबी बांसुरी 16 फुट 6 इंच बनाया है। ठीक है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट फ्लूट जो है। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है वो कौन है? ऋषभ पंत को है ना इन्होंने अपने उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस फोर्स है ना इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स के महानिदेशक संजय अरोड़ा को जिस विभाग का अतिरिक्त पदभार दिया गया है वो कौन है? सशस्त्र सीमा बल का इनको अतिरिक्त पदभार दिया गया है। ठीक है, भारत और जिस देश की सरकार ने हाल ही में सभी पात्र यात्रियों को दोनों देशों के बीच यात्रा करने की अनुमति देने के लिए एक एयर बबल समझौता को अंतिम रूप दिया गया है वो कौन है? सऊदी अरब है ना, भारत और सऊदी अरब मिलके है ना इस समझौते को किया है एक दूसरे के बीच। ठीक है, जिस राज्य में विवादित कानून अफस्पा को अगले 6 महीना तक के लिए बढ़ा दिया गया है वो कौन है? नागालैंड। नागालैंड में अफस्पा को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, हाल ही में बॉलीवुड के जिस प्रसिद्ध फिल्म निर्माता का निधन हो गया वो कौन है? विजय गलानी है। विजय गलानी का अभी हाल ही में निधन हो गया जो कि क्या है? बॉलीवुड के फिल्म मेकर हैं, फेमस फिल्म मेकर। उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखने की घोषणा की है। ठीक है, भारतीय सेना ने हाल ही में जिस राज्य में महू में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की वो कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारतीय सेना ने है ना एक क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दुर्गा शंकर मिश्रा को है ना उत्तर प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की तरफ से जारी अटल नवाचार रैंकिंग 2021 में जिस आईआईटी संस्थान को लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है वो कौन है? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास को लगातार तीसरी बार है ना टॉप स्थान प्राप्त हुए हैं है ना अटल नवाचार रैंकिंग 2021 में। ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन फॉर थर्ड टाइम।
साल 2021 में विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप कौन बन गया है? तो टिकटॉक। 2021 में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड कर किया जाने वाला ऐप कौन था? टिकटॉक था। ब्रिक्स नव विकास बैंक ने जिस देश को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया है वो कौन है? मिस्र। मिस्र को जो है ना ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपना नया मेंबर बनाया है। ठीक है। तमिलनाडु सरकार ने महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत रखने का निर्णय लिया है? तो 31%। तमिलनाडु की सरकार ने महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 31% रखने की घोषणा की है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को उत्तराखंड में हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपये की अधिक की लागत वाली एक परियोजना का उद्घाटन का शिलान्यास किया है। कितने 23 परियोजना जो है ना का इन्होंने उद्घाटन किया है। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के जिस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से संन्यास लेने की घोषणा की है वो कौन है? क्विंटन डिकॉक है ना, क्विंटन डिकॉक है। ठीक है। बीजिंग में होने वाली शीतकालीन ओलंपिक की दो अलग अलग स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो हैं अल्पाई स्कीपर आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, है ना, आरिफ मोहम्मद खान इसको सबसे पहले जो ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने इसको क्वालिफाई किया है। ठीक है। वह 2021 के लिए जिसे हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया वो कौन है? दया प्रकाश सिन्हा। दया प्रकाश सिन्हा को है ना साहित्य अकादमी अवार्ड हिंदी लैंग्वेज के लिए चुना गया है। ठीक है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है ना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड वन की जिस कंपनी में 96% से अधिक हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है वो कौन सी कंपनी है? जिंदाल पावर लिमिटेड। ठीक है। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस का आयोजन किस दिन किया जाता है? तो 27 दिसंबर। इंटरनेशनल एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे 27 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। ठीक है। वह देश जिसकी सरकार ने हाल ही में आगामी 3 वर्षों 2025 तक में देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की वो कौन है? बेल्जियम। बेल्जियम ऐसा कंट्री है जिसने ये बोला है कि वो अगले 3 वर्ष में जितने भी इनके परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं उन सभी को ये बंद कर देगा। जिस देश ने के शतरंज मास्टर मैग्नस कार्लसन ने फिडे विश्व चैंपियन का खिताब सिर्फ जीता है वो कौन, कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। ठीक है। हाल ही में जिस भारतीय तेज गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया वो कौन है? मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी जो कि भारतीय तेज गेंदबाज है इन्होंने 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है। कम गेंदों में जिस बॉलीवुड अभिनेत्री को जानवरों के अनुकूल फैशन उद्योग के समर्थन में उनके काम के लिए पेटा कि 2021 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया वो कौन है? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को इसके लिए नॉमिनेट किया गया है। ठीक है। जो एनिमल फ्रेंडली फैशन इंडस्ट्री है ना ये लाइक करती है। केंद्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है। वह भारतीय विकेट कीपर जो 26 मैचों में 100 विकेट लेने वाला सॉरी शिकार नहीं विकेट लेने वाला भारत के पहले विकेट कीपर बन गए हैं वो कौन है? ऋषभ पंत है। ठीक है। पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने में वन महानिदेशक और विशेष सचिव है ना किसे नियुक्त किया गया है? तो वो चंद्र प्रकाश गोयल को नियुक्त किया गया है। ठीक है। हाल ही में जिस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है वो कौन है? हरभजन सिंह। हरभजन सिंह भारतीय क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्होंने सभी प्रारूपों से है ना क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनी को उपभोक्ताओं के कॉल और इंटरनेट इस्तेमाल का रिकॉर्ड जितने वर्ष रखने का आदेश दिया वो कितने वर्ष हैं? 2 वर्ष। ठीक है। 2 वर्ष का रिकॉर्ड रखने का आदेश दिया है। ठीक। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटी ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि
दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 8.2% रहने का अनुमान इन्होंने लगाया है। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 दिसंबर 2021 को किस शहर में ब्रह्मोस एयरो स्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया? तो वो लखनऊ में इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, हाल ही में जिस देश ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है वो कौन सी देश है? वो श्रीलंका है। ठीक है, एनओसी लेके आना पड़ेगा तभी यहाँ पे मैरिज होगी। ठीक है, स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में जिस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ कौन सा राज्य है? केरल है। ठीक है, केरल हैज गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द हेल्थ इंडेक्स 2021 फॉर द फोर्थ टाइम इन ए रॉ। ठीक है, हाल ही में जिस पूर्व राजनयिक को देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA बनाया गया वो कौन है? विक्रम मिश्री, है ना, मिश्री है ना, विक्रम मिश्री को है ना डिप्टी सलाहकार है ना बनाया गया है। ठीक है, NSA का। आधुनिक युग के डार्विन कहे जाने वाले अमेरिका के जिस प्रकृतिवाद वादी का हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया वो कौन है? ईओ विल्सन। ये कौन है? ईओ विल्सन है, जिनको मॉडर्न डार्विन के रूप में जिसे जाना जाता है। ठीक है, डार्विन ऑफ मॉडर्न एरा, जिनकी 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गई और ये अमेरिका से थे। RBL बैंक के नई CEO एवं मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में है ना राजीव आहूजा को नियुक्त किया गया है। ओके, राजीव आहूजा को RBL बैंक के नए CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। श्रीलंका जल्द ही त्रिकोमाली तेल टैंक फार्मा को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए किस देश के साथ लंबे समय से चल रहे समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहा है? तो वो भारत के साथ, भारत के साथ ये समझौता चल रहा था, इस पर हस्ताक्षर करेगा। भारत की पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल कावेट INS खुकरी P-49 को 24 दिसंबर 2021 को विशाखापट्टनम में कितने साल की सेवा के बाद सेवामुक्त कर दिया जाएगा? तो ये 32 साल का सेवा इसको देने के बाद इसको है ना डीकमीशन कर दिया जाएगा। ठीक है, सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है ना अटल बिहारी वाजपेयी के है ना और बर्थ एनिवर्सरी पे इसे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले जिस देश के डेसमंड टूट को 26 दिसंबर 2021 का निधन को निधन हो गया वो कौन? दक्षिण, कहाँ से थे? दक्षिण अफ्रीका से थे। ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की जिस राज्यसभा सदस्य का हाल ही में निधन हो गया वो कौन है? महेंद्र प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया, JDU से थे और राज्यसभा में थे। जिस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव जबड़े की मांसपेशियों के नए हिस्से की खोज की वो कौन से देश है? स्विट्जरलैंड है। ठीक है, हाल ही में जिस टीम ने तमिलनाडु को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीत लिया वो कौन है? हिमाचल प्रदेश ने इस ट्रॉफी को जीत लिया है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।